ना फायरवॉल इंटरनेट स्पीड्स की रिडक्शन में हमारी हाई कोर्ट में पिटिशन ज़ेर समात थी। इसमें सबसे पहले हमने कोर्ट को आगाह किया और कोर्ट को पहले से ये बात पता था कि इंटरनेट की डिस्ट्रप्शंस पूरे मुल्क में हो रही हैं, सिर्फ इस्लामाबाद तक लिमिटेड नहीं है। और उन्होंने पूछा जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब हैं उनसे कि ये किस वजह से हो रही हैं, गवर्नमेंट की क्या पोजीशन है, तो वो जवाब नहीं दे सके। इनफैक्ट उनका जवाब ये था कि मैं ख़ुद इंटरनेट नहीं इस्तेमाल करता, लिहाजा मुझे इस चीज़ का इतना इल्म नहीं है। जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने जवाब दिया कि अगर खुद भी नहीं इस्तेमाल करते तो कोई चीज़ कॉमन नॉलेज होती है, और इंटरनेट की जो बंदिश है और रुकावटें हैं, स्लो डाउन है, वो पूरे मुल्क में एक्सपीरियंस हो रहा है। इस सिलसिले में उन्होंने पीटीए से और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन से रिप्रेजेंटेटिव्स बुलाए हैं। मंडे को अगली डेट है, 26 अगस्त को। हमने रिक्वेस्ट की थी कि पीटीए चेयरमैन को सीधा पहले बुलाया जाए, क्योंकि पीटीए इस हवाले में बिल्कुल खामोश है और कोई वो अपना रिस्पॉन्स नहीं दे रही कि इंटरनेट की स्लो डाउन किस वजह से हो रही है। लेकिन ये रिक्वेस्ट रिफ्यूज़ हुआ था और कोई और रिप्रेजेंटेटिव पीटीए से पेश होंगे अदालत। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जाता है कि हमें तो पता ही नहीं है इंटरनेट स्लो है, और वो तो हलफन कहते हैं कि हमें नहीं मालूम ना ही इंटरनेट स्लो है, और ये वीपीएन की वजह से है। सबसे पहले तो कोई मिनिस्टर साहिबा से पूछ ले जिन्होंने इतनी इग्नोरेंट स्टेटमेंट दी है कि जी वीपीएन लोग पाकिस्तान में इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। वो इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने एक्स को बैन किया हुआ है, एप्लीकेशन व्हाट्सएप जैसी उन पर मेजर फंक्शंस काम नहीं करे। और दूसरी बात कि ये बिल्कुल फैक्चुअली इनकरेक्ट है ये कहना कि वीपीएन की वजह से इंटरनेट स्पीड रिड्यूस हो रही हैं। एक तरफ पे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कहते हैं कि जी हम फायरवॉल तो नहीं लेकिन कोई साइबर सिक्योरिटी मेजर्स इंस्टॉल कर रहे हैं। फिर मिस शज़ा फातिमा कहती है कि जी हम फायरवॉल इंस्टॉल कर रहे हैं। केयरटेकर गवर्नमेंट ने जनवरी में कहा था कि हम वेब मॉनिटरिंग सिस्टम की अपग्रेडेशन कर रहे हैं, तो हुकूमत पहले इंटरनली खुद फैसला कर ले कि वो क्या कर रहे हैं, ताकि वो लोगों को जब जवाब दें इतने स्टूपिड जवाब ना दें प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये अनपॉपुलर डिसीजन ये कौन करवा रहा है हुकूमत? जो पहले 5 मिलियन तक एक आईटी से आपकी वो हो रही थी, अब वो 3 मिलियन पे पहुंच गई है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि इकोनॉमी भी हमारे हाथ में है, पार्लियामेंट भी हमारे हाथ में है, जुडिशरी भी हमारे हाथ में है। उन्हें कोई परवाह नहीं है कि इकोनॉमी के इस टाइम पर क्या सूरत हाल है। उन्हें कोई परवाह नहीं है कि कितना बड़ा लॉस हो रहा है फ्रीलांसर्स को। फाइबर जैसी कंपनीज पाकिस्तान में लोगों को अनअवेलेबल दिखा रही है, लोगों का डेली लॉस हो रहा है, और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इस बात से। एक मुल्क में जहां हम हर वक्त सुनते रहते हैं मईशत, तो कहां है मईशत के लिए कंसर्न। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके जो पटिशनर हैं हामिद मीर साहब, वो तो इस केस के पीछे बहुत देर से बात कर रहे थे, कल भी आए, आज नहीं आए, कल उन्होंने हमारे ही दोस्तों के साथ एक तहजीक अमेज रवैया रखा, क्या वजह हो सकती है? उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। आई थिंक सारे सहाफ़ियों को मुतहद रहना चाहिए। कुछ कुवतें हैं जो आपके दरमियान दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है, तो आप प्लीज़ होशियार रहें और इन चीज़ों में आप ना पड़े। इंटरनेट फायरवॉल इंटरनेट स्पीड्स की रिडक्शन में हमारी हाईकोर्ट में पिटिशन ज़ेर समात थी। इसमें सबसे पहले हमने कोर्ट को आगाह किया और कोर्ट को पहले से ये बात पता था कि इंटरनेट की डिस्ट्रप्शंस पूरे मुल्क में हो रही हैं, सिर्फ इस्लामाबाद तक लिमिटेड नहीं है। और उन्होंने पूछा जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब हैं उनसे कि ये किस वजह से हो रही हैं, गवर्नमेंट की क्या पोजीशन है, तो वो जवाब नहीं दे सके। इनफैक्ट उनका जवाब ये था कि मैं ख़ुद इंटरनेट नहीं इस्तेमाल करता, लिहाजा मुझे इस चीज़ का इतना इल्म नहीं है। जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने जवाब दिया कि अगर खुद भी नहीं इस्तेमाल करते तो कोई चीज़ कॉमन नॉलेज होती है, और इंटरनेट की जो बंदिश है और रुकावटें हैं, स्लो डाउन है, वो पूरे मुल्क में एक्सपीरियंस हो रहा है। इस सिलसिले में उन्होंने पीटीए से और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन से रिप्रेजेंटेटिव्स बुलाए हैं। मंडे को अगली डेट है, 26 अगस्त को। हमने रिक्वेस्ट की थी कि पीटीए चेयरमैन को सीधा पहले बुलाया जाए, क्योंकि पीटीए इस हवाले में बिल्कुल खामोश है और कोई वो अपना रिस्पॉन्स नहीं दे रही कि इंटरनेट की स्लो डाउन किस वजह से हो रही है। लेकिन ये रिक्वेस्ट रिफ्यूज़ हुआ था और कोई और रिप्रेजेंटेटिव पीटीए से पेश होंगे अदालत। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जाता है कि हमें तो पता ही नहीं है इंटरनेट स्लो है, और वो तो हलफन कहते हैं कि हमें नहीं मालूम ना ही इंटरनेट स्लो है, और ये वीपीएन की वजह से है। सबसे पहले तो कोई मिनिस्टर साहिबा से पूछ ले जिन्होंने इतनी इग्नोरेंट स्टेटमेंट दी है कि जी वीपीएन लोग पाकिस्तान में इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। वो इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने एक्स को बैन किया हुआ है, एप्लीकेशन व्हाट्सएप जैसी उन पर मेजर फंक्शंस काम नहीं करे। और दूसरी बात कि ये बिल्कुल फैक्चुअली इनकरेक्ट है ये कहना कि वीपीएन की वजह से इंटरनेट स्पीड रिड्यूस हो रही हैं। एक तरफ पे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कहते हैं कि जी हम फायरवॉल
فائر وال تو نہیں لیکن کوئی سائبر سیکیورٹی میجرز انسٹال کر رہے ہیں. پھر مس شزا فاطمہ کہتی ہے کہ جی ہم فائر وال انسٹال کر رہے ہیں. کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے جنوری میں کہا تھا کہ ہم ویب مانیٹرنگ سسٹم کی اپ گریڈیشن کر رہے ہیں, تو حکومت پہلے انٹرنلی خود فیصلہ کر لے کہ وہ کیا کر رہے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو جب جواب دیں اتنے اسٹوپڈ جواب نہ دیں پریس کانفرنسز میں. تو یہ ان پاپولر ڈیسیجن یہ کون کروا رہا ہے حکومت سے؟ جو پہلے 5 ملین تک ایک آئی ٹی سے آپ کی وہ ہو رہی تھی, اب وہ 3 ملین پہ پہنچ گئی ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اکانومی بھی ہمارے ہاتھ میں ہے, پارلیمان بھی ہمارے ہاتھ میں ہے, جوڈیشری بھی ہمارے ہاتھ میں ہے. انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اکانومی کے اس ٹائم پر کیا صورت حال ہے. انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کتنا بڑا لاس ہو رہا ہے فری لانسرس کو. فائبر جیسی کمپنیز پاکستان میں لوگوں کو ان اویلیبل دکھا رہی ہے, لوگوں کا ڈیلی لاس ہو رہا ہے اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا اس بات سے. ایک ملک میں جہاں ہم ہر وقت سنتے رہتے ہیں معیشت معیشت, تو کہاں ہے معیشت کے لیے کنسرن؟ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو پٹیشنر ہیں حامد میر صاحب, وہ تو اس کیس کے پیچھے بہت دیر سے بات کر رہے تھے, کل بھی آئے, آج نہیں آئے. کل انہوں نے ہمارے ہی دوستوں کے ساتھ ایک تحزیق امیز رویہ رکھا, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ انہوں نے ایکسپلینیشن دیا, ایسی کوئی بات نہیں. آئی تھنک سارے صحافیوں کو متحد رہنا چاہیے. کچھ قوتیں ہیں جو آپ کے درمیان دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے, تو آپ پلیز ہوشیار رہیں اور ان چیزوں میں آپ نہ پڑے. میر صاحب نے بھی کل وسیم بدامی صاحب کے شو پر بھی بات کی ہے اس پر. یہ مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں اور لوگوں کو موقع نہ دیں کہ وہ یہ چیزوں کو ایکسپلور کریں. تھینک یو.